बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल की धड़कन का तेज हो जाना कॉमन शिकायत, लोग अक्सर कहते हैं डॉक्टर साहब दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, बस अजीब सी कैफियत होने लगती है। देखें, दिल की धड़कन का तेज होना, इसको अगर हम वजहों की बुनियाद पे तकसीम करें तो एक वजह तो नॉन कार्डियक यानी दिल से हट के वजह, वो क्या है? देखिए, नेचर ने एक निज़ाम रखा है कि जब भी आप किसी सोच में, किसी स्ट्रेस में, किसी खतरे में, किसी किस्म की अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में जाएंगे, आपका दिल उसको रिस्पॉन्स करेगा तेज धड़कन के लिहाज से। एक वजह जो नॉन कार्डियक है, और ये नॉन कार्डियक, इसके पीछे कोई भी वजह नहीं है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ये पहली वजह है जो अक्सर नॉर्मल आदमियों में बड़ी तवातर से होती है कि इस नौइयत से कि किसी वक्त धड़कन का तेज हो जाना। दूसरी वजह यह है कि कोई ना कोई एडिशनल बीमारी, जब भी मसलन खून की कमी है, थायराइड है, या कोई और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो अगर इंसान को लाहक हो, दिल उनको इस तरह रिस्पॉन्स करता है, जिसमें पानी की कमी और चीज़ें, तो उसमें भी धड़कन तेज़ होती है। दिल के हवाले से जो धड़कन का तेज़ होना है, वो एक ख़ास किस्म के इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है कि दिल की जो बिजली के निज़ाम में उसमें गड़बड़ आती है। अच्छा, अब इन तीनों में किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है? एक तो अलामत की बुनियाद पर होता है कि तीनों में डिफरेंट तरीके से अलामतें होती हैं और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो इन दोनों को मिला के फैसला किया जाता है कि आपकी धड़कन किस किस्म की तेज़ी है इसमें। लेकिन यकीन मानिए, नॉर्मल लोगों में ज़्यादातर धड़कन की तेज़ी साइकोलॉजिकल होती है, जिसमें एंग्जाइटी का एलिमेंट या किसी स्ट्रेस के नतीजे में वो धड़कन तेज़ हो रही होती है, और जब वो आप स्ट्रेस से निकलते हैं तो धड़कन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। लेकिन यकीन मानिए, देखें, सिर्फ अलामतें सुन के कोई भी ये फैसला नहीं कर सकता कि आपकी धड़कन किस किस्म की है, तेज़ी में किस वजह से है। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा हो कि जिस दौरान धड़कन हो, 15-20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, उस दौरान की एक ECG ज़रूर कर ली जाए। तो आज की मेरी वीडियो किसी ख़ास उस पर नहीं है, सिर्फ एक तकसीम थी कि वजहें क्या क्या हो सकती हैं धड़कन की तेज़ी की, जो मैंने आपको तीनों तरह की बताई। एक जिनके पीछे कोई भी बीमारी नहीं, प्योर साइकोलॉजिकल, एक वो जिनके पीछे बीमारी तो है लेकिन दिल की नहीं है, खून की कमी है, थायराइड डिजीज है, और दूसरी चीज़ें, और तीसरी दिल के हिसाब से जो खास रिदम यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से, अलामतों को जज करके, मरीज में ये देख के कि उसमें और एडिशनल क्या क्या चीज़ें हैं, और धड़कन के दौरान की ECG। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस किस्म के मर्ज में या इस किस्म की शिकायत में तशखीस के लिए।